डायगनल ऑफ ए पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बोल रहे डायगनल है जो पैरलोग्राम के, ये डायगनल होते हैं, इसको पैरलोग्राम मान लो, ए बी सी डी पैरलोग्राम है, और ये डायगनल है बी सी, सॉरी ये बी डी और ए सी, ए से सी तक जो ये लाइन बनी हुई है ये एक डायगनल है, और बी से डी तक ये लाइन बनी हुई है ये दूसरा डायगनल है। ये दोनों डायगनल जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी अगर मैं इसको ओ ले लेता हूँ तो ओ डी इक्वल है ओ बी के दिखाना है, और ओ ए इक्वल टू ओ सी के दिखाना है। तो क्या शो करना है हमें, ओ बी इक्वल दिखाना है हमारे को ओ डी के, और ओ ए इक्वल दिखाना है ओ सी के, ये हमें दो चीज़ें दिखानी है। अब ये कैसे दिखाएंगे, देखो इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक है। अब देखो एंगल वैसे ही ले लेंगे, इसमें ये वाला एंगल ले लेता हूँ मैं, और ये ले लेता हूँ, ठीक है, और ये इधर ये ले लेता हूँ, और ये ले लेता हूँ, इसके मैं 1 2 3 4 तो नाम है ही, मैं इसके 5 6 7 8 रख देता हूँ। अब एंगल 5 जो है वो इक्वल होगा एंगल 7 के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। फिर इसी तरीके से एंगल जो 6 है वो इक्वल होगा 8 के, एंगल 6 है वो इक्वल होगा एंगल 8 के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और ए डी जो साइड है वो बी सी के है, ए डी जो साइड है वो बी सी के है, क्यों, पैरलोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पहले वाली थ्योरम में हमने किया था अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम, ठीक है। अब ये तीन चीज़ हो गई, तो देखो एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल रूल से ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी ओ बी के, ए ओ डी और सी ओ बी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमें क्या करना था, डायगनल्स दिखाने थे इक्वल, तो बाई सी पी सी टी ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ गया और ये वाला इसके इक्वल आ गया, तो बाई सी पी सी टी यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है वो इक्वल हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर ए ओ किसके इक्वल आ गया, ओ सी के, एंड ओ डी किसके इक्वल आ गया, ओ बी के, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गई।